بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن अकल जो है, अगर वो ऐसी मजबूरी की हालत में है, किसी ऐसी जगह पे है कि उनका नहीं बस चल रहा और वो खुदा से अदर ही पुकार रहे हैं, ठीक है, और अल्लाह से निजात मांग रहे हैं किसी जालिम के जुल्म से, ठीक है, हो सकता है जो लोग अभी भी बेचारे लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं वो हुकूमत में गन पॉइंट पर जबरदस्ती बिठाया गया हो, मैं उस डिस्कशन में जाना नहीं चाहता, तो वो बेचारे सारा गंद मंद उन्हें उठाना पड़ रहा हो, वो खाम खा फंसे हुए हों वो, लेकिन उनको अभी भी गन पॉइंट हो। इस मुल्क में आपने इसे कहते हैं स्मोक स्क्रीन, कई तरीके हैं, आपने देखा कि इस मुल्क में कुछ लोग सिटिंग जनरल्स को गालियां दे रहे थे, लेकिन वो सिटिंग जनरल्स उनके फेवर में निकले या नजर आया, अगरचे उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल्स हैं या हम सियासत में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी था वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही सेव करने की कोशिश की, जो भी अल्लाह माफ करे, जो भी सबके बयान आता है, मैं इसमें जाना तो नहीं जाता, लेकिन जो सामने चीजें खुद उन्होंने जिन्होंने खुद एडमिट किए और खुद ही सारे कह रहे हैं, अभी आजकल कुछ लोग जजेस साहबान, कुछ जजेस साहबान के नाम लेके गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो माशाल्लाह पूरे शरई हुलिये में सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर झूले ले रहे होते हैं। हम कभी कभार घर के गेट पे इस तरह झूलते तो मार पड़ जाती थी, ठीक है, हम घर का गेट पे ऐसे झूले नहीं ले सकते थे, तो शरई हुलिये में माशाल्लाह, मतलब बड़ा रिस्क है वैसे, ये जो सरिये वाले होते हैं ना, ये इनके ऊपर शलवार कमीज से नहीं चढ़ना चाहिए, मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, तो शलवार कमीज एक ऐसा भाई आसा लगा कि ये खा मुखा इधर उधर फंसता, यानी बाज बदल करता है, पार्टी लीर पुरानी वागू टंग गया बिच किकर, ठीक है, वो लोहे का गेट के जो कोने छोने नोके शोके जो होती है उसमें मतलब पता कोई नहीं है शलवार कमीज का, तो उसमें नजर तो ये आ रहा है कि वो लोग इंतहाई कुछ जज साहबान के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो गए, लेकिन अगर पिछली दो साल पहले की रवायत को देखा जाए तो हो सकता है कि जिन्हें गालियां दी जा रही हैं असल में वो सब वो एक हैं, ठीक है, और जिन बेचारों जिनके साथ बड़ी साथ दिया जा रहा है या उनकी तारीफें की जा रही हैं असल में उन्हीं को जलील किया जा रहा है, और जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो भी उन्हीं को जलील कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, जैसे फौज बेचारी करी हम न्यूट्रल से या हम सियासत में न्यूट्रल का लफ्ज उन्हें नहीं वो कहना चाहिए मेरे नजदीक, मैं न्यूट्रल का मीनिंग मेरा, मैं डॉक्टर हूँ, हमारे नजदीक और होता है, और रिसेंटली मुझे और पता चला, वो मेरे दो जानने वाले हैं तो उनके घर, मैं वैसे किसी के घर कम ही जाता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग, उन्होंने बड़ा खास एक बिल्लियों के ना घर में बिल्लियाँ रखी हुई बड़ी प्यारी प्यारी खाकी कलर की, ब्राउन कलर की, तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वो ऐसे कल्चर्ड उन्होंने उन्हें पाला हुआ था, तो मेहमानों को भी उन्होंने आना ग्रीट करना, ठीक है, फिर उन्होंने कहना ये आपको सूंघ रहा है, वो आके उन्होंने पाँव को सूंघना, ठीक है, फिर एकदम ऊपर चढ़ जाना ये वो, मैं वैसे कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, ठीक है, वो मैं अवॉइड ही करता हूँ जानवर से, लेकिन उन्होंने काफ़ी अरसे से, मैं 2-3 साल से जाता हूँ कभी कभार ज़्यादा, तो वो बिल्लियाँ मैंने भी उनकी मानूस भी थी, आ भी जाती थी, वो नजर आता था कि वो खेल रही हैं आपस में, लड़ाइयाँ कर रही हैं, कुश्तियाँ कर रही हैं, तो दो थे कभी कभार बीच में ज्यादा, वो खैर बाद में पता चला बिल्ला बिल्ली है, तो उनके बच्चे होते थे, बड़े होते थे, फिर शायद वो बेच देते थे या क्या करते थे, तो अभी मैं गया कुछ दिन पहले, तो वो दोनों बिल्ला बिल्ली मतलब अजीब वो चुप चुप, अच्छा फिर आके तो थोड़ी देर बाद वो आए बैठे, एक उधर बैठ गया, एक दो बुजुर्ग उधर बैठ गया, मैंने देखा, मैं थोड़ी देर बातें हो रही थी, मैंने कहा ये अल्लाह रहम करे उनकी वो माइंड भी कर जाती हैं बिल्लियों की शान में गुस्ताखी हो जाए, तो मैंने वैसे ही मैं कहा ये बीमार तो नहीं है, खाकम बेदहन, मतलब थोड़ा उर्दू स्पीकिंग या अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, उनकी बिल्लियों को कोई ऐसी बात कह रहे हैं कुछ, उन्होंने खुद पाली हुई हैं, खुद अमेरिका से आई, अमेरिकन है वो, मतलब नेशनलिटी उनकी वो है, तो उन्होंने आगे से ये खाकी बिल्लियाँ पाली हुई, बिल्ले हैं या बिल्ली है या शेर की तरह बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हैं बिल्लियाँ ही हैं, तो मैंने मेरी बिल्ली ने अपनी बिल्लियों का बहुत ध्यान है उनका, अमेरिकन है, तो वो नेशनलिटी उनकी वो है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हैं, कमाई सारी उधर से डॉलर आते हैं, अब वो बिल्ले उन्होंने पाले, तो बिल्लियाँ या बिल्ला जो भी था, तो हमारे सीखा बिल्ली इस्तेमाल होता है, मतलब चलो बिल्ली कह लो, ठीक है, बिल्ली वैसे भी चला दो, तो
वो वाकई बड़ा वाजे फर्क था। मैंने थोड़ी देर ठहरे, कह ही दिया मैंने, ये इनको बीमार तो नहीं या क्या बात है, आज चेक नहीं रहा या कुछ। उन्होंने कहा वो ये तो मैंने आपसे बात करनी थी। मैंने कहा जी क्या, फिर इन्हें सीवियर डिप्रेशन हो गया। अच्छा मैं परेशान हो गया, मैं क्या डिप्रेशन हो गया, बिल्लों को बिल्लियों को यानी डिप्रेशन हो गया। वो भी बहुत ही प्यारी प्यारी, मैं उनकी उनकी तस्वीरें तो खैर नहीं है इतनी नहीं, मैंने वैसे पोस्ट वाले मैंने सोचा था लिखूंगा, बड़ा मुझे अच्छा लगा वो उनका कंसर्न अपनी बिल्लियों के लिए। उन्हें पाली हुई थी, ट्रेन की हुई थी, अमरीकी मतलब कोई ब्रीड है उनकी, लोकल लोकल को ले जाके अमरीकी करके पता नहीं क्या उन्होंने किया, वो लंबी साइंस लगाई, देखने में वो शेर जैसे उनके मुंह है लेकिन है बिल्लियां ही हैं, बिल्ले रहे मतलब। वो बड़े परेशानी से मुझे कहती नहीं है डिप्रेशन हो गया, तो मैं हंस पड़ा, मैं क्या जानवरों को, कहती नहीं डॉक्टर साहब मजाक नहीं उड़ा, कहती मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मतलब मैं तो इंसानों का डिप्रेशन नहीं मानता। उन्हें कहती यार कुछ नहीं कहता तेरा, कल मैं चपेट मारा आराम में बैठ, वो बंदा ठीक हो जाता है कि यार कोई डिप्रेशन नहीं, चकला ना बनाओ, चबल मार के बाज पर रोक खाना या डिप्रेस ना हो, नहीं बैठो आराम में, अपनी अपनी विधियां पिले ने। तो खैर वो बड़ी कंसर्न, मुझे कहती नहीं 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 डॉक्टर साहब मैं इन्हें यूएई गई ना तो वहां से भी मैं वैक्सीन भी करा, तो इनके लाइसेंस बने, पता नहीं क्या होता है, कोई कार्ड बना होता है, उसके बगैर बिल्लियां जा भी नहीं सकती हैं, वह रहती हैं, उन्होंने भी नेशनलिटियां नहीं मिलता, तो पासपोर्ट है उनके या पता नहीं क्या है उनके, वो क्या होता है जो है जी उसका नाम है कुछ, जो उधर रहने के लिए भी जरूरी होता है मतलब, और अमेरिका भी मतलब जाना है, जहाज में जाना है वो उसके बगैर नहीं ट्रेवल कर सकती वो बिल्लियाँ, उनके पास था वो नहीं, अकामा नहीं है, कामा कामा चूसी बनवाते हैं ना, अकामा दुबई का और होता है, वो नहीं बिल्लियों का और होता है कुछ, वो तो बंदों का है ना नौकरी जो है काम में नहीं, वो नाम अभी मेरे जहन से निकल गया। खैर मुझे कहती कि डॉक्टर साहब मैंने वहां गई, उन्होंने MRI भी किया, मैं कह मैं अभी जो वो काकी को कह रहा था जो कहती मैं बेटर ही खा, मैंने कहा बेटा उनके तो MRI भी आ गए हैं और मैं वहीं से मुझे पता चला, कहते मैंने इनके MRI भी कराए, मैंने तो सोचा था ट्यूमर है ब्रेन में, मैं क्या अल्लाह ही शान साढ़े बंदे मर जाते हैं, बंदे MRI नहीं होता, बिल्लियों का भी MRI कराता है। वो बड़ी कंसर्न सीरियस, मतलब आप उनके साथ अगर उनकी बिल्लियों का या उनकी जान में कुछ ताकी करें तो तलखा खत्म हो सकते हैं, अमरीकी हैं वो, उनके पालतू बिल्लियों का ध्यान करती है बहुत, उनका मतलब उनकी मान मर्यादा परंपरा का बड़ा ध्यान रखना पड़ता। मुझे कहती है कि डॉक्टर साहब मैंने MRI भी कराया, सारा कराया, सारे टेस्ट हुए इनके। अच्छा जी, ये दो दिन मैंने वहां इन्हें जबरदस्ती एडमिट रखा उनके हॉस्पिटल में ना। अच्छा जी, इन्होंने अस्पताल भी ने वो डॉक्टर साहब सारा कुछ ठीक है, तो फाइनल डायग्नोसिस हुआ कि नहीं डिप्रेशन। अच्छा जी ठीक है, हो गया होना। मैं कहा जी डॉलर बड़ा थले आ गया डॉक्टर, मजाक ना करें, इनकी फीड में तो कोई फर्क नहीं है, इनको तो मैं तो सोच रही हूँ इनको मैं जजीरों पर ले रहा हूँ, पता नहीं कुछ जजीरा भी है उन्होंने स्पेन वाले पास, अमीर लोग। मैं कहा जी फिर बिल्लियां का डिप्रेशन खत्म हो गया कि नहीं, मतलब ये देखिए, कहते मैं यही तो आपसे बात करने के लिए, अच्छा हुआ आपने, यदि मुझे बताएं कि अगर इन्हें सूरह रहमान सुनाई जाए तो और पानी पिलाया जाए तो इनका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। मैं कह जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कहती हेयर यू गो, मुझे ना पता चला, कहती अब आप मुझे बताएं, मैंने तो इन्हें सुनाया और पानी भी पिलाया, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा मैं देखा हो दोनों बिल्ला बिल्ली जो है ना वो वाकई मुंह उन्होंने भी छू गए हो, काने काने कदी इधर नू कदी इधर नू बस फिर रहे थे। वो बुलाया मैंने, एक आध मेरे पास भी आया, लेकिन वो पुरानी बात नहीं जिस तरह वो शरारते करते थे, कभी इधर से कंधे हुए इधर को निकल गया है, कभी उधर को जा रहा है, एक दूसरे के साथ कुश्तियां हो रही हैं कुछ, और बिल्कुल मायूसी उनमें वाकई नजर आ रही। तो मुझे कहती कि नहीं नहीं अब आप बताए ना, आप तो कहते हैं सूरह रहमान से ठीक होते, इन पे सूरह रहमान क्यों नहीं ठीक हो, और नाम भी उन्होंने जेडे ना कोई अमरीकी जरनैल जो थे ना उनके जंगे दादी वाले उन्होंने नामों रखे हैं, वो नहीं क्या, खैर चले वो रहने दें जो भी है, बड़े बड़े नाम रखे ना, मुझे कहती डिप्रेस है। तो अब इनका आप बताए ना इन पे सूरह रहमान क्यों नहीं असर करते। मैंने कहा ये कब से है डिप्रेशन, डॉक्टर साहब 6 महीने हुए। मैं अचानक कहा मैं क्या इनके बच्चे शच्चे नहीं, कहते वो तो इन्हें न्यूट्रल करा दिए। मैं क्या जी, कहते वो मेरी सास जो है ना वो हर वक्त बोलती रहती थी, आपको नहीं पता वो बहुत सख्त है, वो कहती है ना कि बेहयाई पलाई पूरे घर है जितने नहीं शुरू हो जाता है, थोड़ा
क्या अच्छा जी, अब सास पे उनकी नेशनलिटी अमरीकी नहीं चलती, ठीक है, सास से सास होंगी भाव अमरीका दी हो पाकिस्तान दी, वो तो उनके रख कहती। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि याद रहा कडो इतू जो जरनैल शरनैल मतलब बिले उन्होंने पता नहीं की ना रखे थे, उन्होंने नाम ही लेने होंगे बड़े प्यार। तो मैं फिर मेरे पास और कोई हल नहीं बचा डॉक्टर साहब, तो मैंने इन्हें न्यूट्रल करा दिया। अच्छा उन्होंने कहा ना मैं न्यूट्रल कराता, मैं तो इंज करके सीधी सी बात है भाई, जो दर्द आशना बंदा डर जाता है। मैं चुप करके बैठ गया, मैं अस्तगफुरुल्लाह, जालम लोग ने न्यूट्रल करता है, एडे आराम ना कही जा रहे न्यूट्रल कर दिए। तू कहने हूँ डिप्रेशन ठीक नहीं होती। अच्छा मैं अब उन्हें देख ही जाऊँ। अच्छा डॉक्टर साहब आप वो बताए ना इनका क्या करना है। मैं कह जी ये किसी तरह चार्ज नहीं हो सकते। अब मुझे क्या, मैं कह इन्हों चार्ज दो ना, इन्हों सरचार्ज ना रख दो। क्या मतलब है आप डॉक्टर साहब सीधी बात करें ना, अब आप फंस गए, जिस तरह अस नहीं करते बाजी फंस गए बाजी, वो मैनू फंसा के बैठी। आप आपकी सूरह रहमान से ये क्यों नहीं ठीक हुए। मैं कहा बाजी तो तू पुरसा ही कट देता है, हूँ तू कहते गड्डी नहीं चलती पी, ठीक इतने सूरत रहमान चढ़ी नेचुरल सिस्टम पे एक्ट करती है। अच्छा ये बात समझाने मुझे टाइम लगा, मुझे कहते चार्जिंग का क्या मतलब। मैं कहा बाजी एक बंदा है, इन्होंने तुम वर्दियां पवाइया ने बिलिया दी, ठीक है, लेकिन ना वो बिल्ला है ना वो बिली है, वो डिप्रेस ही, वो खाम खास जिंदगी गुजार रहे ने। और डॉक्टर साहब ये भी तो हर 3 महीने बाद, मुझे तो नहीं पता शायद बिल्ली के बच्चे 3 महीने बाद हो जाते, वो मैं पहले तो करती थी, लेकिन अब ये भी तो बाज नहीं आते ना, तो वो कहती बच्चे बड़े हो रहे हैं घर। वो फिर सवाल करते थे दादी से कि ये क्या कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं कहती थी लव मेकिंग कर रहे हैं, वो बच्चे वीडियो बना लेते, कहते वीडियो तो बड़ा यब्बे का, ठीक है, वो वीडियो बना लेते थे, वो वीडियो इन्हें पता चल गया बिलों बिल्लियों को, ये ज्यादा ही एक्टिंग शुरू हो गई उसके पीछे, और शौक ना वीडियो बनवाते रहे कितने, ठीक है, वो वीडियो फड़ के दादी को दिखाती उन्होंने, तो नानी को पता नहीं, ठीक है, वो दादी नारी ने एक्शन ले लिया, उन्होंने कहा कि घर च बगैरती फैल रही है, ये क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा जी कडो इतों बिल्ले, ठीक है, वो इन्हें बिल्ले पसंद थे बड़े, ये जो अमरीकी आंटी है इन्होंने फिर वो पकड़ के तो उन्हें न्यूट्रल करा दिया, ठीक है। हूँ उसके बाद इन्होंने कोई गल भुल गई, उन्होंने डिप्रेशन हो गई, हूँ ये जनाब सूरह रहमान सुना रहे हैं उन्होंने, इतने सूरह रहमान की करे, ठीक है। बट मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल समझाया, मैंने तो देखो मेरी बात सुने, ये आप लोगों के लिए लफ्ज बड़ा छोटा सा न्यूट्रल कर दिया, तो अल्लाह ताला ने एक शक्ति दी है मान मर्यादा पर बनाई, जो भी है बिल्ली है बिल्ला है बिल्ली है जो भी है, उसकी एक नेचुरल लाइफ है, और उसमें आपने पंगा दिया है, उस पंगे के बाद आप वो बेचारे डिप्रेस हो गए ना, डिप्रेशन की तो आजादी दे ना, मतलब वो लगते नहीं शक्ल तू ना, तुम एवं तुम बिल्ले का ना शेर रखे है, ठीक है, तुम कोई शेर तरह लड़े हो कि तू शेर तरह लड़े हो, बिल्ली तुम दबाएगी तो इधर उधर हो जाएगी या बिल्ला हो जाएगा इधर उधर। मुश्किल से उन्हें बात समझ आई, लेकिन बाद में मैंने जब पढ़ा ना वो न्यूट्रल फलाना कहता सी न्यूट्रल, मैं भाई न्यूट्रल नहीं गए सियासत से हमारा पिता ये कहना चाहिए, न्यूट्रल का मैंने मेडिकल में और है ना, मतलब हमारा ये बिल्लियां तो मैं जब दिल्ली तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, मैंने उन्हें कहा कि ये अब नहीं कर रहे सी ना, उन्होंने भी एहसास किया, मुझे कहने लगी कि हाँ ये तो हो गया, अब इसका क्या हाल है। मैं कह जी का हाल है ही है कि हूँ बस इन्हों डिप्रेस रहन दो, जिंदगी चू कोई है ही नहीं, कोई उन्होंने फड़ के तुम उन्होंने सत्यानाश कर छड़े आए, ठीक है, कहने इन्हों का की करना। मैं कह जी इन्हों रिक्रिएशन रख लो, ठीक है, मुझे कहती रिक्रिएशन तो अब ये नहीं कर सकते, रिक्रिएशन तो नहीं कर सकते, मैं रिक्रिएशन पता नहीं अंग्रेजी मेरी मठी जी की, लेकिन वो मैंने नया मतलब मैं तो मुझे पता चला उसका, जब पता चला मैं कहिए मेरे मौला, ठीक है, और अल्लाह आप सबके हाल पे रहम करे। किधर बात हो रही थी, علمه البيان.